झारखंड में बारिश का बरपा कहर। अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत हो गई है। देखिए कई सड़कें डाइवर्स होकर बह गई हैं और रांची के ग्रामीण इलाके में एक दर्जन से अधिक कच्चे मकान धराशाही नदियों और झरनों में उफान। देखिए जलाशय तबालब कुल्हान में भी नदियां उफान पर है। चांडिल डैम के 4 गेट खोले गए हैं। रांची के कांके डैम के 3 रेडियल गेट खोले गए हैं। हटिया डैम के में पानी उच्चतम स्तर से 7 फीट कम। बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। तो देखिए लातेहार में डाइवर्स बहने से देखिए काफी ज्यादा असर पड़ा है। बारिश की वजह से लोगों के बीच काफी परेशानियां हो रही हैं और ऐसे में पूरा शहर देखिए जलमग्न हो गया है। आज भी तेज हवा के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में बारिश का असर देखने को मिल रहा है और देखिए अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की जान गई है बारिश के कारण। तो देखिए नदियों और झरनों में उफान। कोल्हान में भी नदियां उफान पर है और देखिए चांडिल डैम के 4 गेट खोले गए। रांची के में कांके डैम के 3 रेडियल गेट खोले गए। वही हटिया डैम में पानी उच्चतम स्तर से 4 फीट कम। बिजली आपूर्ति पर भी देखिए बड़ा असर पड़ा है। वाटान में डाइवर्स पहने से तो देखिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक देखिए लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है और जो तस्वीरें सामने आ रही है शहर की कि पूरा जो शहर है लगभग कई इलाके पूरे जलमग्न हो गए और ऐसे में अब तक कई लोगों की जान भी गई है डूबने से और स्थिति काफी गड़बड़ाई हुई है। क्या कुछ इस पर अपडेट है दीपक? जी बिल्कुल, देखिए बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है और इसका व्यापक असर झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि झारखंड प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। कंटिन्यू बारिश होने की वजह से लोग अपने घरों में ही डुबके हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी काम हो तभी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और यही वजह है कि जब आप सड़कों पर अगर निकलेंगे तो सड़क पर जो है वीरान की स्थिति जो है खासतौर पे शहरी इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है क्योंकि सर्वाधिक ऐसे इलाके जहां निचली जगह है निचली स्थान है वहां पर जल जमाव की स्थिति बन गई है और लगातार हो रही बारिश की वजह से कच्चे मकान भी कई इलाकों में ढह जाने की जो खबरें है वो सामने आई है। कई इलाकों में डाइवर्सन जो है वो बह गया है और पानी का फ्लो अधिक होने की वजह से जो है कि नदी हो या तालाब हो वहां पे पानी काफी अधिक बढ़ गया है। कांके डैम जहां पर पानी अधिक बढ़ जाने की वजह से 4 फाटक को खोलकर पानी की निकासी करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हर एक साल कम बारिश होती है और कम बारिश होने की वजह से खासतौर पे किसान प्रभावित होते थे लेकिन इस बार ऐसा है कि बारिश जो है सामान्य से भी अधिक बारिश हो गई है। अगर कहे तो कोई गुरेज नहीं है, बारिश इस बार काफी अच्छी बारिश हुई है और अभी जो मॉनसून रिटर्न होने का समय है और रिटर्न होने के समय जो है वो पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूअस बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जल जमाव की स्थिति बन गई है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पक्की सड़क नहीं है, वहां पे कीचड़ जो है वो कीचड़ में तब्दील हो गया, सड़क जो है वो नालों के पानी जो है वो सड़कों पे बह रहा है। तो कई तरह की परेशानी लोगों को हो रही है लेकिन इन सब के बीच किसानों के लिए एक राहत की खबर है कि जो धान की फसल लगी हुई है जिसे अधिक मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है वो पानी इस बार धान को मिल रही है। तो वैसे में अच्छी फसल होने की संभावना है लेकिन इन सब के बीच परेशानी कहीं ना कहीं अधिक बढ़ गई है इसलिए भी कि पानी जो है वो कंटिन्यूअस आ रही है।
और अभी जो मॉनसून रिटर्न हो रहा है, हमें लगता है कि एक दो दिनों में मॉनसून रिटर्न कर जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ की तरफ जो है वो मॉनसून रुक कर रहा है। तो ऐसे में दो तीन दिनों के बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। जिस तरह से जो लगातार बारिश हो रही है उस पर अगर बारिश रुकेगा तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक जो बारिश हुई है इससे कहीं ना कहीं बड़ी नुकसान भी लोगों को सामना करना पड़ा है। खासतौर पर कई ऐसे इलाके जहाँ पर डाइवर्सन बढ़ गया है, एक इलाके के दो इलाकों का जो संपर्क है वो टूट गया है, कई लोगों के घर मकान भी जो है वो गिर गया है, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर अभी दुर्गोत्सव का समय है और दुर्गोत्सव के समय पर जो रांची में अगर खासतौर पर बात करें तो बंगाल के तर्ज पर छोटे बड़े सैकड़ों भव्य और आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस पंडाल का निर्माण कार्य में भी काफी परेशानी का सामना कारीगर को करना पड़ रहा है, पूजा समितियों को करना पड़ रहा है, चूंकि फिनिशिंग का काम जो है वो नहीं हो पा रहा है, और चूंकि पंडाल का निर्माण कार्य होता है तो उसमें सर्वाधिक जो छोटे छोटे सामान का इस्तेमाल, लोगों की परेशानी तो बड़ी है। इसके साथ ही कई जो काम है वो ठप हो गए, क्योंकि देखिए जितने भी त्योहार है वो नजदीक है, ऐसे में दुर्गा पूजा की बात कर ली तो पंडाल निर्माण जारी था और जिस वजह से कई कार्य भी हैं जो ठप हो गए हैं। धन्यवाद दीपक आपका हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए बारिश लगातार की हो रही है, येलो और ऑरेंज अलर्ट कई राज्य जिलों में देखिए जारी किया गया है। झारखंड की बात कर ले तो यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राज्य में स्थिति कैसे गड़बड़ाई हुई है। बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, ऐसे में लोगों को इस स्कीम से काफी परेशानियां हो रही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।